हेलो एवरीवन, अगर आप यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है आपके लिए। डेली बेसिस के ऊपर क्वेरी आती है कि यूके से कनाडा मूव होना कितना आसान है, क्या ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, वीज़ा का सक्सेस रेट किस केस में ज़्यादा है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो तब सक्सेस रेट ज़्यादा है या विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो तब सक्सेस रेट ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन आता है जी, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर बच्चों के साथ बात होती है, क्योंकि यूके की जो करंट सिचुएशन है, काम ज़्यादा नहीं है, फीस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो डिप्रेस्ड है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में मूव होना चाहते हैं। स्पेशली कनाडा के लिए वीडियो है, 2 से 3 मिनट की वीडियो है, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी तरह की फाइलिंग आप हमारे साथ करना चाहते हो, यूके से कनाडा मूव होना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहां पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले कनाडा की बात करूंगा, 2 ऑप्शंस आपके पास है, टूरिज्म के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास कनाडा से इनविटेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि जी हमारे पास स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर हमेशा पीआर केस में यूज़ होती है, फैमिली स्पॉन्सरशिप में, जो आपको कनाडा से बुलाता है उसको इनविटेशन बोलते हैं। बहुत सारे लोग स्पॉन्सरशिप का नेम लेकर आपके साथ फ्रॉड भी करते हैं, तो यूके से आप इनविटेशन ले सकते हो अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव से। सक्सेस रेट की बात करूँ, अगर आप होटल बुकिंग के ऊपर भी अप्लाई करते हो तब भी सक्सेस रेट अच्छा है, अगर आप इनविटेशन के साथ अप्लाई करते हो तब भी सक्सेस रेट अच्छा है। प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ, आज से 3-4 मंथ पहले प्रोसेसिंग टाइम 1 मंथ 1.5 मंथ था, बट इस समय जो रिजल्ट है उसको टाइम लग रहा है। हमारी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है जो जून की अप्लाई की हुई है, जुलाई की, अगस्त की, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कुछ सेट ऑफ दी एप्लीकेशन क्लियर भी हुई है, जैसे हमने अक्टूबर में लगाई थी एप्लीकेशन, रेंडमली कनाडा यूके से एप्लीकेशन पिक कर रहा है। तो अगर आपने अप्लाई करना है, फर्स्ट आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है जो ट्रुथ है, कि 2 से 3 मंथ रिजल्ट की वेट आपको करनी पड़ सकती है स्पेशली कनाडा के लिए। दूसरी चीज़, आगे ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि आपका जो ट्रैवल प्लान है वो कैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पास न्यू ईयर क्रिसमस की हॉलीडे थी, वो चली गई। अब आपके पास नया ट्रैवल प्लान कब बनेगा, जब मार्च में आपको एक टर्म हॉलीडे होगी, तब आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, जो वर्क परमिट के ऊपर है उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, स्टूडेंट के लिए हॉलीडेज डेफिनेटली मैटर करती है। बीच स्टडी में कोई भी घूमने नहीं जा सकता, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और अपनी स्टडी छोड़ के आप कहते हो कि आप चले जाओगे, वो एक जेन्युइन रीज़न नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, फंडिंग कितनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है। तो एक एवरेज बात करूँ, अगर आपके पास 4 से 5 हज़ार पाउंड की फंडिंग होगी तो उसको एक अच्छी फंडिंग माना जाता है, चाहे वो रीसेंट हो। फंडिंग आप इंडिया से भी दिखा सकते हो, हमने काफ़ी ज़्यादा केसेस में ये चीज़ की है और सक्सेस रेट अच्छा मिला है। पेरेंट्स भी आपके फंडिंग इंडिया से शो कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे यूके में स्टूडेंट हो, तो ऐसे लिए आपके पेरेंट्स भी शो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ कह देते हैं कि जी हमारे फ्रेंड का 2000 पाउंड के ऊपर वीज़ा गया, 2500 पाउंड के ऊपर वीज़ा गया, तो एक आधा वीज़ा आ जाता है गाइस। क्योंकि अगर हम यूके से फ़्लाइट की बात करें तो 1 से 1.5 लाख की फ़्लाइट आने जाने की, प्लस होटल, अगर आपके ट्रिप के ऊपर 2 लाख खर्चा आना है तो कैसे 2000 पाउंड में आपका वीज़ा आएगा। एटलीस्ट आपके पास डबल अमाउंट तो होनी चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, आपका पासपोर्ट की स्कैन कॉपी लगती है यूके से, आपका जो करंट हम कह सकते हैं VRP है उसकी कॉपी लगती है। करंट स्टेटस बहुत मैटर करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका स्टेटस आउट हो चुका है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, बट उसके लिए भी अल्टरनेटिव वेज है, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो अपना केस। तो अगर यूके से कनाडा अप्लाई करना है, 2 से 3 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, सक्सेस रेट डेफिनेटली अच्छा है। किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, अगर आपने रिसेंटली ट्रैवल किया है, फॉर एग्जांपल आपने शेंगेन ट्रैवल किया है 2-3 मंथ पहले, तो एटलीस्ट ट्रैवल में गैप ज़रूर डालिए, क्योंकि आप ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन करोगे कि 1.5 मंथ पहले 2 मंथ पहले मैं घूम के आया हूँ, अब मैंने फिर जाना है। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें, तभी यूके से जो वीज़ा है सक्सेसफुली डेफिनेटली मिल जाता है। प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू।